Hello friends, welcome back to our channel Finstock. Today we are with yet another video for breakout stocks. तो friend जैसे कि आप जानते हैं हम breakout stock discuss करते हैं और फिर उनमें किस प्रकार से हमें position बनानी है उसको हम discuss करते हैं. तो friends अभी हम कुछ breakout stock discuss करेंगे. उससे पहले आपको एक reminder कि आप हमारे videos तो देखते हैं लेकिन आप इनको like करें, अपने friends के साथ share करें, उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि नए वीडियोस जब आएंगे तो उसके अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके और आप अपडेटेड रह सकेंगे. तो हमारा जो ब्रेकआउट स्टॉक है उसमें जाने से पहले हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का थोड़ा स्ट्रक्चर देखते हैं. तो ये निफ्टी का वीकली मंथली चार्ट है, उसको हम पहले वीकली में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो ये अभी वीकली का हमारे पास निफ्टी का वीकली चार्ट हमारे पास अभी आ गया है. तो अगर आप देखते हैं तो जो निफ्टी है वो कंटिन्यूसली अपसाइड मोमेंटम दिखा रहा है और एक ब्रेकआउट कंटिन्यूसली हायर हाई बनाते जा रहा है. उसके विरुद्ध बैंक निफ्टी जो है वो एक रेंज में ट्रेड हो रहा है और ये जो मैंने जैसे कि डिस्कस किया है कुछ लास्ट वीडियो में, यहाँ पे ये जो है ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये चैनल का जो अपर एंड है वो, और अभी एक रेंज में बैंक निफ्टी जो है वो फंसा हुआ है. तो जब तक बैंक निफ्टी आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगा तब तक हमें थोड़ा कॉशियस रहना है. नाउ लेट्स गो टू चार्ट. तो हमारा जो पहला ब्रेकआउट स्टॉक है वो है पिरामल एंटरप्राइजेस. तो ये देखिए, ये पिरामल एंटरप्राइजेस का हमारे सामने वीकली चार्ट अभी आया है. तो इसको हमारा डिस्कस करने का रीजन जो है वो ये एक ब्रेकआउट है जो कि डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे ये एक जो डबल बॉटम टाइप पैटर्न था इसके अभी ये ऊपर आने के लिए ट्राई कर रहा है. तो एक ब्रेकआउट अच्छा आ सकता है जो कि हमें टारगेट देगा 17%. तो हम जब इसको एंट्री अगर बनाएंगे तो ये जो लेवल है अभी 977, इसके ऊपर हम अगर बाय करते हैं तो हमारा टारगेट जो आता है पहला वो आता है 1145 जो कि हमें 17% रिटर्न देगा. और इसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पर है ऑलमोस्ट 1300 के आसपास जो कि देता है हमें 33% रिटर्न. और थर्ड जो है वो ये 48% के लिए है. लेकिन ये तो हमारे टारगेट्स आ गए, लेकिन हमें सबसे पहले कोई भी स्टॉक है तो उसमें स्टॉप लॉस कहाँ लेना है इसके बारे में सोचना चाहिए. तो हमारा जो स्टॉप लॉस आएगा वो आएगा ये जो कैंडल है इसके लो के नीचे आएगा जो कि 12% का हमारे यहाँ पास स्टॉप लॉस निकल के आता है. तो हमने ये कैंडल क्यों सिलेक्ट किया, उसके पीछे का रीज़न है ये जो वॉल्यूम कैंडल है, वॉल्यूम को ब्रेकआउट, ये जो कैंडल है इसमें अगर आप देखते हैं तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इस कैंडल में हुआ है. मतलब यहाँ पे कोई तो बड़ा प्लेयर ने बाइंग किया है. तो जब बड़ा प्लेयर ने यहाँ पे बाइंग किया है तो उसके अगर नीचे जाएगा तो चांसेस आर वेरी हाई कि स्टॉक और भी नीचे आ सकता है, क्योंकि बड़े प्लेयर अपने जो स्टॉप लॉस है या बाइंग जो लेवल्स है वो डिफेंड करते हैं. तो इसके लिए हमें यहाँ पर 12% का स्टॉप लॉस रखना है और उसके अगेंस्ट में हमारा जो पहला टारगेट आता है वो 17% आएगा, सेकेंड आएगा 32 और थर्ड हम जो लेते हैं तो 48.5% के आसपास हम देख सकते हैं. तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे जो भी स्टॉक्स डिस्कस करते हैं वो बस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसमें हम कोई बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं देते हैं. आप खुद स्टडी कीजिए या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करने के बाद ही आप डिसीजन लीजिए. तो ये तो हो गया हमारा पिरामल एंटरप्राइज. अब नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस. तो ये है एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस का वीकली चार्ट. ऐसे तो ये आपको एक ब्रेकआउट दिखेगा लेकिन अगर हम इसको मंथली में देखते हैं तो ये देखिए ये मंथली कैंडल अभी हमने लगा दिए हैं. तो यहाँ पे हर एक कैंडल जो है एक मंथ का यहाँ पे हमें स्टॉक की जो मूवमेंट है वो दिखा रहा है. तो ये स्टॉक जो है वो अभी अपने जो अब तक का ऑल टाइम हाई था उसके ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है. तो ये काफ़ी अच्छा स्टॉक हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, और जिसको ट्रेडिंग करना है वो भी कर सकता है. तो जो रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनको तो पता होगा कि हम ये जो टारगेट निकालते हैं अल्टीमेट टारगेट वो ये जो रेंज हम दिखते हैं नीचे से ऊपर तक की उसको हम ऊपर प्रोजेक्ट करके निकालते हैं. तो उस प्रकार से हमारा फर्स्ट टारगेट जो आता है यानी फाइनल टारगेट जो आता है वो ऑलमोस्ट 60% के आसपास का है, और हम ऐसे स्टॉक में जो स्टॉप लॉस रखते हैं वो 10% का रखते हैं. तो 10% का अगर रखते हैं तो 1:6 ऑलमोस्ट हमें रिस्टो रिवार्ड आता है जो कि काफ़ी अच्छा रिस्टो रिवार्ड है. और ये ब्रेकआउट जो आ रहा है वो भी ऑलमोस्ट
2017 के बाद, मतलब 3 और 4 7 साल के बाद का ये ब्रेकआउट है, तो काफ़ी लंबा ये ब्रेकआउट है, तो काफ़ी अच्छा ये हमें रिटर्न देने का चांसेस है। उसी के साथ अगर आप देखते हैं वॉल्यूम का मोमेंट, तो धीरे धीरे वॉल्यूम जो है वो फ्लैट हो रहा था यहाँ पे, और अभी वॉल्यूम बिल्डअप चालू हुआ है लास्ट मंथ से, मतलब इसमें अच्छी खासी बाइंग होने लगी है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये हमें ये जो लेवल है ये दे सकता है। और जब हम 10% का स्टॉप लॉस लेंगे, और अगर स्टॉक हमारे डिजायर डिरेक्शन में मूव करने लगता है, तो आपको पता है कि हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाते हैं, तो हर 10% मोमेंट देने के बाद स्टॉक ने, हम हमारा स्टॉप लॉस जो है वो ऊपर ऊपर लेके आएंगे 10% से। मतलब अगर स्टॉक यहाँ से 10% ऊपर आता है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हमारे कॉस्ट टू कॉस्ट या उसके जस्ट नीचे आ जाएगा, और उसके बाद और अगर स्टॉक ऊपर जाएगा तो हम हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल कर दे जाएंगे, ताकि हमें हमारा जो लॉस है वो प्रोटेक्ट करना है। तो इसी के साथ हम थोड़ा और एक डिस्कशन थोड़ा आगे लेके जाते हैं, और हम स्टॉक को कैसे सिलेक्शन करना है उसमें देखते हैं। तो ये आप देख लीजिए, ये है LIC हाउसिंग फाइनेंस का मंथली चार्ट, और इसी सेक्टर का हम और कुछ स्टॉक देखते हैं, तो हमें उसमें से फिर कौन सा स्टॉक अच्छा है और हम किस प्रकार से उसमें ये कर सकते हैं, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, वो देखते हैं। तो ये जैसे कि LIC हाउसिंग फाइनेंस है, वैसा हम दूसरा स्टॉक देखते हैं, PNB हाउसिंग फाइनेंस। तो ये PNB हाउसिंग फाइनेंस का स्टॉक है, चार्ट है, तो इसमें भी एक ब्रेकआउट आ रहा है अगर आप देखते हैं तो, बराबर है। ये जो है ये ऑलमोस्ट यहाँ 2019 के बाद का जो लेवल है, यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे रहा है, तो ये भी स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है, और LIC हाउसिंग फाइनेंस भी स्टॉक जो है वो ब्रेकआउट दे रहा है। तो हम अभी इसमें से डिसाइड कैसे कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक ज़्यादा अच्छा है या हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए अगर आप देखते हैं तो ये जो LIC हाउसिंग फाइनेंस था उसको ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा था, और ये जो है PNB हाउसिंग फाइनेंस, इसके अभी ऊपर और भी रेजिस्टेंसेस है जो कि ये लेवल्स है अगर आप देखते हैं। तो जैसे जैसे ये स्टॉक ऊपर जाएगा, ये रेजिस्टेंस लेते जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये जो अलग अलग लेवल्स यहाँ पे है ऑलमोस्ट, ये हर यहाँ पे लेवल में थोड़ा रुकेगा या रेजिस्टेंस लेगा, फेस करेगा। तो इट इज़ बेटर अब हमें जो हम अगर LIC देखते हैं, तो LIC में ऐसा कुछ नहीं, LIC ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर जा चुका है, तो उसको ऊपर अभी रेजिस्टेंस नहीं है, तो उसमें जो बाइंग होगा वो फ्रेश बाइंग होगा, और अच्छे तरीके से लोग उसमें अच्छा प्रॉफिट निकलने के बाद अपना जो प्रॉफिट है वो बुक करेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, ये जो लोग फंसे हुए हैं ऑलमोस्ट 2017-18 से, ये हर एक लेवल में यहाँ पे सेलिंग करेंगे, तो ये थोड़ा रेजिस्टेंस ले लेके ऊपर जाएगा। तो इस हिसाब से हमें स्टडी करना है कि कौन सा स्टॉक, सेम सेक्टर है लेकिन दोनों में ब्रेकआउट है, लेकिन कौन सा ब्रेकआउट ज़्यादा अच्छा है, वो हम इस प्रकार से सोच कर फिर हमारा डिसीजन बना सकते हैं। लेकिन इसमें अगर आप देखते हैं तो इसमें वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा भी इंक्रीज होने लगा है, मतलब इसमें भी बाइंग होने लगा है, बड़े प्लेयर्स इसमें भी बाइंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं यहाँ से ही इसमें बाइंग चालू हो गया था, मतलब 275-280 के आसपास से ही यहाँ पे बाइंग अच्छे से चालू हो गया था, जो कि वो लोग जिन्होंने यहाँ पे बाइंग किया है उनको ऑलरेडी अगर आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट वो 130% के रिटर्न उनके पास है। तो जैसे ही ये यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो शायद वो लोग भी अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, तो चांसेस आर वेरी हाई कि वो फिर से नीचे नीचे आने लगेगा। लेकिन LIC में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि LIC में ऑलरेडी फ्रेश ब्रेकआउट है और उसके ऊपर कोई ऐसा रेजिस्टेंस का लेवल नहीं है। तो इस हिसाब से हमें थोड़ा सोचना है, और उस हिसाब से फिर हमें हमारा ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स ढूंढने हैं और उन्हें एनालाइज करना है और अपना पोजिशन बनाना है। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू। आप भी स्टडी कीजिए और अपने डिसीजन बनाइए।